आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ चैनल। गया के डोभी में बच्चा चोर को रंगे हाथों पकड़कर ग्रामीणों ने की पिटाई। बच्चा चोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो पर सिटी एसपी ने कहा कि चिन्हित कर ऐसे लोगों पर की जाएगी कार्रवाई। वज्रगंज प्रखंड स्थित मुर्गियाचक निवासी मृतक संजय सिंह के आश्रितों को जिला पदाधिकारी की पहल पर युद्ध विभाग ने आपदा के तहत मुआवजे के रूप में दिए 4 लाख रुपए। गौरतलब हो के मुर्गियाचक निवासी संजय सिंह की 2016 में 11,000 वोल्ट का तार गिरने के कारण उसकी चपेट में आने से मौत। परिवार में एक सदस्य की मृत्यु हुई थी बिजली के तार की वजह से, और 2016 में हुई थी। और कई बार बिजली विभाग के पास इनके द्वारा आवेदन दिया गया था उसमें राहत के लिए, और कई वर्षों तक इनका केस पेंडिंग रहा। फिर यह केस उन्होंने लोक शिकायत निवारण में दिया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है, और इसकी विभिन्न स्तरों पर सुनवाई होकर जब यह केस मेरे पास आया और मुझे लगा कि यह केस जेन्युइन है। यद्यपि इसमें राजीव गांधी की जयंती पर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गया के राजेंद्र आश्रम स्थित कार्यालय में किया वृक्षारोपण। मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंद्रिका यादव ने कहा कि गया को प्रदूषण मुक्त करना है वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में बिहार राज्य के सभी जिला में प्रखंड में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, और इसके उपलक्ष्य में हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में दर्जनों वृक्षारोपण किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण जो देश में राज्य में और गया जिले में दूषित हो रहा है इसको शुद्ध बनाए रखें। कांग्रेसियों ने वृक्ष को रोप करके संकल्प लिया कि हम लोग पर्यावरण के लिए शहर के विभिन्न जगहों पर विभिन्न वार्डों में और भी अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण का शुभारंभ आज किया गया और अन्य जगहों पर किया जाएगा। गया जी में अब तीर्थ यात्रियों को देखने के लिए मिलेगी गया की सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की झलकियां। गया रेलवे स्टेशन के दीवारों पर बनारस के आए कलाकारों के द्वारा बनाई जा रही है गया जी की धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियां। पितृपक्ष मेला में पिछले वर्षों की ही भांति इस बार भी तैयारी चल रही है। सिविल प्रशासन रेल प्रशासन का सामंजस्य करके स्टेशन का सौंदर्यीकरण का भी कार्यक्रम चल रहा है, और जितनी यात्री सुविधाएं अधिक से अधिक दी जा सके उस पर प्रयास है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनुग्रह कॉलेज इकाई में विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान की गई शुरुआत। मौके पर सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ग्रहण की सदस्यता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अभियान के तहत सदस्यता अभियान चालू हुआ। आज गया इकाई के द्वारा भी गया के स्थानीय अनुग्रह कॉलेज से इसका उद्घाटन किया गया, शुरुआत की गई है, और पूरे गया जिले में हम इस बार 21,000 छात्रों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। छात्रों के पास ज्ञानशील एकता का मूल मंत्र लेकर छात्रों के बीच हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता जा रहे हैं,
और उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़ रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज भारत जैसे ही दुनिया का सभी छात्रों का विश्वास को जीतकर आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को। उसी गौरव को बरकरार रखते हुए आज हमारे सभी कार्यकर्ता गया जिले के 2400 प्रखंड में सभी प्रखंडों में प्रमुख तय कर दिए गए हैं, सभी कॉलेजों के प्रमुख तय कर दिए गए हैं, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर इस बार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। यह के बेलागंज थाना स्थित बेलाडी गांव निवासी अमरनाथ त्रिपाठी ने आईजी से मिलकर अपने पुत्र मोहित कुमार त्रिपाठी की बरामदगी की लगाई गुहार। पीड़ित पिता ने बताया कि उनका पुत्र 13 अगस्त की शाम से है लापता। उन्होंने मंगलवार को आईजी के समक्ष अपने पुत्र की समुचल वापसी की लगाई गुहार। 13/8/2019 को शाम 5 बजे मोहित कुमार त्रिपाठी अपने घर से कोचिंग के लिए बेलागंज बाजार में इतवारी बाजार गया था। कोचिंग ने उस दिन बकरीद की छुट्टी थी, लौट रहा था, उसके बाद आज तक नहीं लौट पाया। दो दिन पहले बीमार था तो बीमारी की वजह से नहीं जा पाया था। शनिवार को सोमवार को बकरीद थी, मंगलवार को भी छुट्टी था, इसलिए उसको नहीं पता था। वो वहाँ गया और अच्छे मन से गया था। वहाँ से किस क्लास में पढ़ता था? क्लास वर्ग दशम वर्ग का छात्र था जी। गया के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय में सुखाड़ को लेकर बैठक का किया गया आयोजन। मौके पर बाराचट्टी प्रखंड के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने बैठक में शामिल होकर सुखाड़ से निपटने को लेकर की चर्चा। सुखाड़ से संबंधित था और बारिश इस बार अच्छी नहीं हुई है, जिसके वजह से जो अनाज का जो उच्छादन है काफ़ी कम हुआ है। इसी संबंधित बैठक की गई थी, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी मुखियागण, सभी विकास मित्र, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार आदि को सबको बुलाया गया था और इसमें सभी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने पंचायतों में जाकर करके और वार्ड स्तर पे, ग्राम स्तर पे, टोला स्तर पे जाकर के सर्वे करें। गया के अनुग्रह कॉलेज स्थित पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के द्वारा जलाई गई विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए रखी गई किताब। इस संदर्भ में लाइब्रेरी फिरोज अंसारी ने बताया कि बिना रिकॉर्ड के थी जलाई गई किताबें। उन्होंने कहा कि किताबों में लग चुकी थी कीटाणु, परंतु सवाल उठता है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। ये सबको जलाया जा रहा है इसलिए कि दीपक पूरा खा गया, चारों तरफ से खा गया और सारी किताबें बर्बाद हो जाएगी इसकी अगर नहीं किया जाएगा। उसको रोकने के लिए कमरा में उसे निकाल निकाल के हटाया जा रहा है। कितने किताबें अभी कितने किताब है? किताब तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, बहुत सारी बहुत सारी किताबें हैं जिसका जब दीवा खा गया तो क्या बता सकें, निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नहीं नहीं उस दीवा जी गलती से किसी हुआ है, लेकिन ऐसा कोई किताब नहीं है कि नहीं उसमें छाटे को दिया हुआ है सब। अब गलती से कोई टोकरी में उठा के एक पर रख ले तो अलग बात है सब। अब जो आप जो कहिए ऐसा है कि 1 मार्च को हमने इस महाविद्यालय में अपना योगदान दिया, लाइब्रेरी का हम लोग निरीक्षण किए। लाइब्रेरी में ये पता चला कि लाइब्रेरी में जो बुक की स्थिति है वह सारे लाइब्रेरी में, पूरे लाइब्रेरी में दीमक लगा हुआ है। तो हमने कहा क्या कि लड़के किताब जो ले जाएंगे इसके लिए लाइब्रेरी का ऑटोमेशन हुआ होगा, तो लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी का ऑटोमेशन भी हुआ है लेकिन वह ऑटोमेशन कंप्लीट नहीं है। तो हम कहे कि जो बचा हुआ है किताब उसका ऑटोमेशन कराइए। तो हमने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया तो देखा कि एक कमरे में बहुत सब दीमक लगा हुआ, एक रद्दी टाइप का कागज और बुक खराब कागज टाइप का पूरा लाइब्रेरी के एक रूम में पड़ा हुआ है, जिसका हम लोग कहे कि क्या इसका कोई रिकॉर्ड पहले से लिया गया है। तो यहाँ पता चला कि वो जो दीमक लग के खराब हो गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना रिकॉर्ड ली जा सकती है। तो हम लोगों ने कहा क्या कि इसके चलते पूरी लाइब्रेरी मेरी दीमक से खराब हो रही है, तो हम लोग उसका वो पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया वर्ल्ड फोटोग्राफर डे, मौके पर विजय कुमार ने की प्रोग्राम की अध्यक्षता जबकि अमित उर्फ मुन्ना ने किया मंच का संचालन। इस मौके पर वरीय एवं पुराने फोटोग्राफर को भी किया गया सम्मानित।
बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है। इसमें हमारे सारे जितने भी गया के वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर यहाँ पे आज आए हैं और हम लोगों ने केक काटकर और हमारे सीनियर और पुराने फोटोग्राफर को सम्मानित करके हम लोगों ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को बहुत सफलतापूर्वक मनाया। इसमें हमारे जितने भी मेंबरगण हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, पूरा का पूरा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसका सहयोग, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया। जिसमें मैं कहूँगा हमारे कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, बैजू जी हैं, विजय जी हैं, रंजीत जी हैं, अमित जी हैं, रॉबिन जी हैं, गुड्डू है, जितना भी लोग हैं, हम लोग को ये प्रोग्राम को सफल बनाने में सपोर्ट किया है। जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं सबके सब, और हम लोग प्रत्येक साल इसी तरह वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाएंगे। और कैमरे के बारे में, जो कैमरा आज के डेट से हम लोगों ने रील से लेकर अभी तक डिजिटल ज़माना में हम लोग आए हैं, तो इससे जितने भी बातों को हम लोगों ने रखा, हमारे भंडारी सर भी आए हुए थे, सब लोगों ने उनकी प्रेरणादायक बातों को सुना, कैसे कैसे हमारा तकनीक आगे बढ़ा, कैसे कैसे हमारा कैमरा आगे बढ़ा, और हम लोगों ने इस कैमरे के लाइन से हमारा पूरा जीवन, पूरा परिवार इसी कैमरे से और फोटोग्राफी लाइन से जुड़ा हुआ है और इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किस्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किस्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किस्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड धामीटोला गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 06312221190।